हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने SBI बैंक अकाउंट में आप अपना फ़ोन नंबर जो न्यू होता है, जो न्यू फ़ोन नंबर को आप ओल्ड नंबर से कैसे आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन नंबर को कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने बैंक के साथ, वो भी सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ बिना बैंक जाए कैसे कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक देखें, जैसे कि आपको सारा का सारा चीज आप यहीं पे क्लियर हो जाए और आपको इस प्रोसेस के लिए, पर्टिकुलर इस प्रोसेस के लिए बैंक जाना ना पड़े। ओल्ड नंबर से न्यू नंबर में कन्वर्ट होने के लिए या चेंज करने के लिए आप इजिली इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो ज्यादा देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे ये प्रोसेस को फॉलो करके आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली से आपको कार्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है। टेक योर कार्ड दिखा रहा है, आप अपना कार्ड ले लें। यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंकिंग में क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हैं बैंकिंग में क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन या चेंज मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो न्यू डालना है तो न्यू, और अगर चेंज करना है तो चेंज में क्लिक कर सकते हैं। तो पहले आपको ओल्ड नंबर डालना है, जो नंबर ऑलरेडी यहाँ पे है रजिस्टर्ड उसको डालना है। नेक्स्ट उसके बाद आपको फिर से वही पुराना नंबर ही डालना है। उसके बाद आपको न्यू नंबर डालने का ऑप्शन दिखाएगा। फिर उसके बाद आपको न्यू नंबर दो बार डालना है और यहाँ पे प्रेस इफ करेक्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आपको सिंपली से आपको क्या करना है, यहाँ पे पिन डाल देना है। अपना जो भी पिन होगा वो पिन को डाल देना है। पिन को डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज़ वेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना नंबर, जैसे आपको बताया था, नंबर डालना है, ठीक है। नंबर डालते ही आपको यहाँ पे, जैसे आपको बताया, वो आपको वेट करने के लिए कुछ क्षण बोलेगा। और आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको एक कंप्लीट होने के बाद आपके ओल्ड नंबर पे, आपके नए नंबर पे एक मैसेज आएगा। मैसेज का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा किस तरीके से आपको सेंड करना है, कहाँ सेंड करना है, फॉर्मेट दे दूँगा आपको दोनों, ओल्ड मोबाइल से भी और न्यू मोबाइल से भी।